मैं एज ए सेट की सारे लैंग्वेजेस में मैंने हमारे जो करियर शुरू की है, पर पंजाबी फिल्म करना है बहुत दिन से मैं सोच रही थी, एंड दिस स्क्रिप्ट मेड मी टू कम टू पंजाबी इंडस्ट्री. सो आई थॉट डेफिनेटली इस फिल्म, क्योंकि राज्य भी है इसमें, तो मुझे एक कंफर्टेबिलिटी है जी. और बाकी ये जो सीनियर पंजाबी आर्टिस्ट हैं, गुड्डू जी भी हैं, एंड देन हमारा हीरोइन भी है, तो ये एक एक माहौल बहुत खूबसूरत है जी. पंजाबी जितने जो जनता है प्यार देते हैं, और दिस इज़ यू नो लाइक अनकंडीशनल लव. हाई एवरीवन, दिस इज गायना, यू आर वॉचिंग मी ऑन देसी चैनल. सो आज हमारे साथ हैं जयप्रदा जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू चंडीगढ़ मैम. थैंक यू. सो मैम, भूत अंकल आ रही है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिकॉज हॉरर पंजाबी फिल्म है और राज बब्बर जी के साथ हम पंजाबियों को आपको साथ दोबारा देखने को मिल रहा है. सो हाउ वॉज योर जर्नी, और कैसा रहा पंजाब का ट्रिप ड्यूरिंग द शूट? अच्छा रहा, हमेशा अच्छा रहा. और मैं एज ए सेट की सारे लैंग्वेजेस में मैंने हमारे जो करियर शुरू की है, पर पंजाबी फिल्म करना है बहुत दिन से मैं सोच रही थी, एंड दिस स्क्रिप्ट मेड मी टू कम टू पंजाबी इंडस्ट्री, एंड रियली आई एम थैंकफुल टू बुकाड़े जी, उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट लेकर आए. एंड इस फिल्म में हॉरर ही नहीं है, इस फिल्म में गाने भी बहुत अच्छे हैं, और यू नो वेरी 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 मेलोडी सॉन्ग्स हैं इसमें. Then you know, like we have lot of emotional scenes hai, and comedy hai. So all sector of the audience ke liye ye film ekdam fit hai. मैम, जैसे आपने कहा पंजाबी फिल्म आप करना चाहते थे, एक फिल्म में ऐसी कौन सी चीज थी that you said कि this script is mine and इस फिल्म के लिए ही मैं पंजाबी फिल्म में डेब्यू करूँगी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टअप करूँगी इस फिल्म के जरिए, ये स्क्रिप्ट परफेक्ट? एक्चुअली क्या है कि बुकाड़े जी के ऊपर मेरे को भरोसा है, बिकॉज बुकाड़े जी जो भी सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं मेरे लिए. एंड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, इफ द स्क्रिप्ट डिमांड्स एंड द कैरेक्टर डिमांड्स ओनली, बुकाड़े जी मेरे पास आए हैं, तो मुझे उनके ऊपर, क्योंकि आई हैव डन सो मेनी फिल्म्स, सक्सेसफुल फिल्म्स हमारे जो एसोसिएशन है, तो गणेश जी के साथ कई यू नो सुपर हिट्स है मेरा, तो मैं स्क्रिप्ट और द डायरेक्टर इज़ द बेस्ट. सो आई थॉट डेफिनेटली इस फिल्म, क्योंकि राज्य भी है इसमें, तो मुझे एक कंफर्टेबिलिटी है जी. और बाकी ये जो सीनियर पंजाबी आर्टिस्ट हैं, गुड्डू जी भी हैं, एंड देन हमारा हीरोइन भी है, तो ये एक माहौल बहुत खूबसूरत है जी. और जब आपने शूटिंग के लिए पंजाब आए थे, उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पंजाब की बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी, और जब आप बॉम्बे वापस जाते थे तो आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले कहते थे पंजाब में हो तो ये वहाँ से ज़रूर लेके आओ? पंजाब में एक तो फूड है, और एक तो लोगों का प्यार है, यू नो लोग जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ, तो इट्स ऑल बिकॉज पंजाबी जितने जो जनता है प्यार देते हैं, और दिस इज़ यू नो लाइक अनकंडीशनल लव जी. जी, हम कह सकते हैं कि अब दोबारा और पंजाबी फिल्म्स भी आप करेंगे, अब अपने यहाँ पर कदम रखा है, सो पंजाब की ऑडियंस चाहती है कि आप और फिल्म्स भी करें. थैंक यू सो मच, आपने इतना हमारे लिए सोचा है, तो डेफिनेटली अगर स्क्रिप्ट डिमांड करती है तो डेफिनेटली मैं पंजाबी फिल्म्स में और भी आगे भी करने के लिए सोच रही हूँ. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ जयप्रदा जी, जिन्होंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है भूत अंकल का, देख लीजिए क्योंकि बहुत जल्द फिल्म रिलीज हो रही है, देख के आना, टिकट्स बुक एडवांस में ही करवा लेना. आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी, नमस्कार.